मेरा नाम अनुपमा चौधरी है, रॉयल स्टाइल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग और बहुत ही ज्यादा ब्राइट लगती है। तो उसके पीछे का क्या राज है, वो क्या यूज करती है, आज मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। इसी बात पे फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अगर आपने कर लिया है तो आपका थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो दोबारा बोल रही हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करिएगा। फ्रेंड्स, मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से नेचुरल तरीके से हम अपनी स्किन को बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग और ब्राइट रख सकते हैं। ये सारी रेमेडीज भी उन्होंने अपनी दादी और नानी से सीखी हैं, जो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम इस पैक को किस तरीके से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले प्रियंका चोपड़ा ने थोड़ा सा बेसन लिया, ये इस तरीके से हम बेसन लेंगे। उसके बाद उन्होंने उसमें टर्मरिक मिक्स किया, हल्दी पाउडर, हल्दी के बाद में फिर उन्होंने थोड़ा सा दही मिक्स किया। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट जो है तो थोड़ा सा उन्होंने मिल्क ऐड किया इसमें। उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा ये लेमन मिक्स किया, कुछ बूंदे लेमन की, और उसके बाद में लास्ट में उन्होंने थोड़ा सा चंदन पाउडर मिक्स किया। इसका एक हम पेस्ट बना लेंगे, इनको सबको आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया उन्होंने बॉडी स्क्रब बनाया, जो पूरा हम लोग यूज़ करते हैं, सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही सेफ है हमारी स्किन के लिए। तो इस तरीके से गाढ़ा सा पेस्ट उन्होंने तैयार किया। ये हमारा पूरा बॉडी स्क्रब है जो हमारे एक्सफोलिएशन में बहुत ही बढ़िया काम करेगा। तो इसको मैं बॉडी पे अप्लाई करके दिखाती हूँ और हमें किस तरीके से इसे अप्लाई करना है, क्या एक सही तरीका है इसको अप्लाई करने का, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारी बॉडी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, जहाँ पे हमें ये बॉडी स्क्रब अप्लाई करना है तो बिल्कुल क्लीन करेंगे, कोई भी डस्ट और डर्ट हमारी बॉडी पर नहीं होनी चाहिए। और इस तरीके से फिर इस पैक को लेंगे और पूरा अपनी बॉडी पे हम बहुत ही अच्छी तरीके से थोड़ा सा दबाते हुए अप्लाई करेंगे। नींबू वगैरह के बीज अगर हमारे पैक में है तो वो हम निकाल लें। तो इस तरीके से पूरे पैक को हम अप्लाई कर लेंगे और 10-15 मिनट के लिए इसको इसी तरह से लगा रहने देंगे। जब ये हल्का हल्का सा सूखने लगेगा फिर हम इसकी स्क्रबिंग करेंगे। फ्रेंड्स, हम इसको नहाने से पहले ही कर सकते हैं, जैसे ही हम नहाने घुसेंगे उससे 10-15 मिनट पहले अपनी पूरी बॉडी पे लगा लिया, फिर हल्का सा जब वो सूख गया फिर हम उसकी स्क्रबिंग करेंगे। बहुत अच्छा हमारा बॉडी का एक्सफोलिएशन हो जाएगा, जिससे पूरी डेड स्किन वगैरह हट जाएगी और उसके बाद हमारी स्किन पे बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग, बहुत ही चमक आ जाएगी। जब ये हल्का हल्का सा सूखने लगेगा, 10-15 मिनट हम इसको इसी तरह से लगाएंगे, उसके बाद जब ये हल्का हल्का सूखने लगेगा फिर हम इसकी स्क्रबिंग करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हल्का हल्का राउंड मोशन में करते हुए, सर्कुलर मोशन में हम इसको करेंगे और इस तरीके से पूरा बॉडी पे हम मसाज करेंगे। इस तरीके से सूख जाएगा तो हम इसको इस तरीके से रगड़ते हुए साफ कर लेंगे। ये पुराने जमाने में हमारी दादी नानी इसी तरह से हमें बताती थी, यही सब प्रियंका चोपड़ा ने भी बोला कि उन्होंने भी ये सब चीज दादी नानी से ही सीखा है। बहुत ही बढ़िया इससे हमारी बॉडी क्लीन हो गई, आई रियली लाइक इट, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच प्रियंका चोपड़ा हमें इतना अच्छा पैक बताने के लिए। तभी फ्रेंड्स, उनकी बॉडी इतनी शाइन करती है, इतनी ग्लोइंग है, तो वो भी नेचुरल रेमेडीज़ को यूज़ करती हैं। तभी मैं इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी बॉडी को वॉश कर लिया। फ्रेंड्स, इस पैक ने बहुत ही बढ़िया हमारी बॉडी को सॉफ्ट एंड सिल्की बना दिया, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही इफेक्टिव पैक है। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा रॉयल स्टाइल तड़का देना चाह रही हूँ, थोड़ा सा अपना ट्विस्ट देना चाह रही हूँ मैं इसमें। अगर हमारी बॉडी सुपर ड्राई है तो उसमें लास्ट में हम एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल में यूज़ कर रही हूँ, हल्का सा हम कोकोनट ऑयल की लास्ट में मसाज कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया काम करेगी हमारी ये स्किन के ऊपर। हमारी बॉडी पे कहीं भी ड्राइनेस है, कालापन है, पैचेस हैं, तो पूरी बॉडी पे वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगा। फ्रेंड्स, हमारे घुटनों पे कालापन है, हमारे यहाँ पर एड़ियों पे कालापन है, और बॉडी की अगर यहाँ पर एल्बो पे कालापन है, तो हर जगह हम इस पैक को इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, जो बहुत ही बढ़िया काम करेगा, इतना शाइन देगा ये हमारी स्किन को, और इसके साथ साथ ही बहुत ही सॉफ्ट एंड सिल्की भी बनाएगा। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स, हमने ये कोकोनट ऑयल अप्लाई किया है हमारी बॉडी के लिए। कोकोनट ऑयल, बादाम का तेल और ऑलिव ऑयल, ये तीनों ऑयल बहुत अच्छे होते हैं, जो बहुत ही नरिश करते हैं हमारी बॉडी को। तो आप इन तीनों को यूज़ किया करो अगर कभी भी आपको बॉडी पे कोई ऑयल यूज़ करना है तो।
तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इफेक्टिव पैक है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी आप जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगी, कम्युनिटी टैब पे कुछ शेयर करूंगी, स्टोरीज में कुछ शेयर करूंगी और इसके साथ साथ ही जब भी मैं लाइव आऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। तब तक लव यू ऑल, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।